आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट के बारे में कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है और कैसे काम करती है। और इसके लिए हम बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तो समझते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है त्रिकोणमिति, यानी कि एक ऐसी आकृति जिसके अंदर तीन कोण है और उन तीन कोणों से ही मिलकर के हमारी जो आकृति बनी है उसको हम त्रिभुज कह रहे हैं। और त्रिभुज में भी एक विशेष त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज के लिए ये ट्रिग्नोमेट्री जो काम करती है, तो समकोण त्रिभुज के लिए जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसमें एक कोण आपका जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी जो कोण होंगे दो कोण, उन दोनों कोणों का जो टोटल होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसका नाम हमने रखा है एबीसी, जिसमें बी जो पॉइंट है इस पर हमारा जो कोण है 90 डिग्री का, बाकी एक हमने मान लिया थीटा और जो दूसरा बचेगा उसका मान हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये हम थीटा के सापेक्ष देखें तो थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा, ये आपका कर्ण हो जाएगा और ये आपका लंब हो जाएगा। अब बाकी जो नीचे बचेगा उसको हम बेस कहेंगे यानी कि आधार। यानी समकोण त्रिभुज के अंदर एक आपका कर्ण होगा, एक लंब और एक आधार, इन तीनों भुजाओं का जो टोटल है वो यहां पर समकोण त्रिभुज के अंदर आपको दिखेगा, ठीक है। इसमें जो थीटा कोण है उसका मान 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होगा और इसको हम एक्यूट एंगल कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे, यानी कि 90 डिग्री से कम जो मान है कोण का उसको हम क्या करें, न्यून कोण कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें एक हमारी जो थ्योरम है पाइथागोरस, वो इसमें थ्योरम काम करती है, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि अगर हम सबसे बड़ी भुजा का वर्ग करें तो वो जो है बाकी दो अदर भुजाएं हैं उनका वर्ग करने पर उनका योगफल अगर हम करें तो उसके बराबर आएगा। तो यहां पर सबसे बड़ी भुजा आपकी कर्ण है, इसका हमने वर्ग किया जिसको हम हाइपोटेनस कह रहे हैं, वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारी जो पाइथागोरस थ्योरम बनी है ये हो जाएगा आपका कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, इनसे मिलकर के हमारी पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट बनी है। यानी कि ये शॉर्टकट है एक तरीके से, अगर कोई आकृति दे रखी है उसमें अगर भुजाओं के सापेक्ष चलेंगे तो वो दूरी काफी लेंथी हो जाएगी। तो शॉर्टकट के लिए हम इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम उसका यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो भुजाओं का वर्ग है वो दोनों का क्या होगा, सेम होगा। यानी हाइपोटेनस का अगर हम वर्ग करें, कर्ण का वर्ग करें, तो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है इसी पाइथागोरस थ्योरम पर आधारित। अगर आपको एक भुजा 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, दूसरी भुजा आपको 12 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो तीसरी भुजा कितनी की होगी ये आपको निकालनी है। तो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज बन रहा है तो आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज कर लेंगे। यानी सबसे बड़ी भुजा है हाइपोटेनस, कर्ण का वर्ग निकालना है, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार है आपका 5 तो 5 का वर्ग हो जाएगा, लंब है आपका 12 तो 12 का वर्ग हो जाएगा, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 5 का वर्ग 25 और 12 का 144, टोटल करेंगे ये आपको हो जाएंगे 169 यानी 169, जो कि कितने का वर्ग है, ये 13 का वर्ग है, यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो 13 के स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहां से हाइपोटेनस का मान निकालेंगे तो उसका मान आ जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर, यानी सबसे बड़ी जो भुजा होगी उसका मान कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट। अब हम पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है एक सेट होता है, पॉजिटिव कोई भी इंटीजर्स होंगे एबीसी इनका एक सेट होगा। यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको सेटिस्फाई करने वाला एक डायरेक्ट कंसेप्ट बन जाएगा। तो वही यहां पर लिखा है कि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है वो एक सेट होगा, किसका सेट है, पॉजिटिव जो इंटीजर्स है इनका सेट होगा, ठीक। यानी अगर हम पॉजिटिव इंटीजर कोई भी मान लेते हैं एबीसी, इनका एक सेट होगा। और वो किस तरीके से काम करेगा, जो पाइथागोरस थ्योरम है उस तरीके से काम करेगा।
कि दो संख्याओं का जो वर्ग है वो तीसरी के बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, एक आपका मेन कंसेप्ट ट्रिपलेट जो है उसकी जनरल फॉर्म आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा टू ए बी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका एक व्यापक रूप हो जाएगा। कि अगर आपको ट्रिपलेट बनाने हैं तो आप इस वाले फॉर्मूले से बहुत सारे ट्रिपलेट बना सकते हैं जो कि काम के हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा टू ए बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम है उसी में हम डायरेक्ट अगर वैल्यू रख रहे हैं और डायरेक्ट उनको याद कर पा रहे हैं तो उन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, ट्रिपलेट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बेसिक जो ट्रिपलेट हैं जो जनरली यूज होते हैं उनको मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ। पाइथागोरस ट्रिपलेट, यहाँ पर मैंने कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बेसिक हैं वो मैंने लिखे हुए हैं जो आपको जनरली याद होने चाहिए। अगर ये आपको याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, यानी आपको ना के बराबर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इनको डायरेक्ट यूज करके आप जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके ट्रिपलेट आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर मैंने लिखा है तीन चार पाँच, पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट है जिसमें आपका जो लास्ट वाला नंबर है वो हमेशा करंट की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, हमेशा करंट की वैल्यू होगी, यानी सबसे बड़ी जो संख्या है वो करंट की वैल्यू होगी और बाकी जो दो संख्याएं तीन और चार वो आपका आधार होगा और लंब होगा, यानी उनमें वो चेंज हो सकता है, यानी आधार और लंब आपके चेंज हो सकते हैं लेकिन करंट आपका चेंज नहीं होगा। तो आधार और लंब ये चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन करंट आपका फिक्स रहेगा। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी करंट की रहेगी, बाकी दो वैल्यू आपकी इंटरचेंज हो सकती है, यानी आधार और लंब इनमें से कोई भी चेंज हो सकता है। तो पहला ट्रिपलेट आपका तीन चार पाँच, यानी अगर आपको याद है ये तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैंने अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया समकोण त्रिभुज जिसमें एक भुजा अगर आपको तीन सेंटीमीटर की दे रखी है, दूसरी आपको चार सेंटीमीटर की दे रखी है, तो आप सबसे बड़ी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होगा, तो चार का वर्ग आ जाएगा, तीन का वर्ग आ जाएगा, चार का हो गया 16, तीन का हो गया 9, टोटल करेंगे तो 25 जो कि पाँच का वर्ग होता है, यानी कि जो हाइपोटेनस है कर्ण है वो आपका आ जाएगा 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, इस तरीके से, और इनको हम चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये थीटा पर डिपेंड करता है। अगर थीटा यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और अगर थीटा यहाँ पर है तो फिर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसलिए आधार और लंब ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं लेकिन कर्ण की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी। ठीक है, इसलिए सबसे बड़ी जो भुजा यहाँ पर दे रखी है वो हमेशा कर्ण की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर मैंने लिखी हुई ट्रिपलेट कुछ तीन चार पाँच, डायरेक्ट याद होना चाहिए, बहुत काम का है। 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 11 60 61 इसी तरीके से 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 28 45 53 33 56 65 33 56 65 36 77 85 39 80 89 48 55 73 65 72 97 और 20 99 101। यानी जनरली दो डेट तक के आपको याद होना चाहिए क्योंकि पेपर में दो डेट तक ही पूछे जाते हैं, मैक्सिमम तीन नंबर के नहीं पूछे जाते, तो दो डेट तक याद है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी ना के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन पाइथागोरस ट्रिपलेट को याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। अभी एक एग्जांपल यहां पर आप करके बताएंगे कि क्या होगा इसका मान। ये भुजा आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, ये दे रखी है 12 सेंटीमीटर की, तो ये कितने सेंटीमीटर की होगी ये आप बताइए। पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद होंगे तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर जरूरी नहीं कि सभी में पाइथागोरस ट्रिपलेट लगे, अगर नहीं लग रहा है तो आप बेसिक से सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा करके और वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू बताइए, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और ये कितने सेंटीमीटर का होगा।
तो आपके दिमाग में एक ही ट्रिपलेट आ रहा होगा 5, 12, 13, तो कुछ लोगों का आंसर आ रहा होगा कि इसकी वैल्यू 13 होगी, यानी कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होगी 13 सेंटीमीटर, जो कि गलत है, 13 सेंटीमीटर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मैंने पहले बताया कि लास्ट में जो लिखा है वो सबसे बड़ी भुजा होगी, यानी कर्ण का मान होगा, वो कर्ण का मान होगा, हाइपोटेनस का मान होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, या तो लंब होगा या आधार होगा, तो लंब या आधार इस 12 सेंटीमीटर से बड़ा तो नहीं हो सकता, इससे बड़ा नहीं हो सकता ना। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सिंपल बनाएंगे, इसको जैसे हम सॉल्व करते पाइथागोरस थ्योरम से, उससे हम इसको बनाएंगे और चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ पर आपको मान रखने और सॉल्व कर लें कितना मान आ रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वैल्यू रख दो, हाइपोटेनस का मान कितना देगा 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे 144, ठीक है। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है 5, 5 का हो जाएगा 25, बेस आधार का मान पूछा है तो उसको वही रहने देंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको इधर लेंगे, तो बेस का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस के 25, ठीक है। यहाँ पर माइनस कर दो, 119 बचेगा, यानी बी स्क्वायर का मान आ गया 119, तो सिंपल बी की वैल्यू आ जाएगी रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर, यानी इसका जो मान होगा वो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो कुछ लोग जो बता रहे थे 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर नहीं होगा इसका मान, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद में इसके व्युत्पन्न ट्रिपलेट है, यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट जो मेन है ये तो बेसिक हो गए, इसी से आपके मल्टीपल इनके हो जाएंगे, यानी इनके गुणा हो जाए 2 का मल्टीपल 3 का मल्टीपल या किसी रूट संख्या का, तो इसके व्युत्पन्न पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएंगे, इसके ड्राइव्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो भी देख लीजिए एक बार। यानी ड्राइव करके बनाए गए हैं, मैं तो आपके बेसिक ये वाले हैं, इसी की हेल्प से आपके बनाए गए हैं, तो उनको हम कहेंगे ड्राइव पाइथागोरस ट्रिपलेट। कैसे, जैसे आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है 3, 4 और 5, ठीक है, तो इससे हम बना सकते हैं कि अगर मैं इसमें पूरे में 2 का मल्टीपल कर दूं तो एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा, और वो ट्रिपलेट क्या होगा, 2 का करेंगे 3 से 6 हो जाएगा, 2 का करेंगे 4 से 8 हो जाएगा, 2 का करेंगे 5 से 10 हो जाएगा, तो ये एक नया ट्रिपलेट बनेगा 6, 8, 10, 6, 8, 10, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो कि ड्राइव्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएगा, यानी मेन बेसिक जो था उसी से मिलकर ये बना है। इसी तरीके से अगर हम इसमें रूट का गुणा करते हैं कि अगर मान लो हम √2 का गुणा करना चाह रहे हैं इसमें, तब एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा 3√2, 4√2 और 5√2, ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड पाइथागोरस ट्रिपलेट कहेंगे। इसी तरीके से मैं इनमें से और भी कोई संख्या ले लूं, जैसे आपने 8, 15, 17 ले ली, इससे भी आप बना सकते हैं, यहां पर 3 का गुणा करके एक नया ट्रिपलेट बन जाएगा, 8 3 24, 15 3 45, 17 3 51, ये भी एक नया ट्रिपलेट हो गया 24 45 51, तो ये कहते हैं ड्राइव्ड है, यानी कि ये बेसिक है, इनको और ज्यादा अगर हम काटना चाहें तो काट नहीं सकते हैं, जैसे रेशियो होता है सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे ज्यादा उसको नहीं काटा जा सकता, सेम ये वाले हैं, इनको और ज्यादा नहीं काट सकते, लेकिन जो आपके ड्राइव वाले हैं इनको आप काट करके मेन आपके जो बेसिक थे पाइथागोरस ट्रिपलेट उसमें आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो इसको एग्जाम्पल और देख लेते हैं इसके,
ये आपको दे रखा है 16 का, ये आपको 30 सेंटीमीटर का, तो आपसे पूछा ये कितने सेंटीमीटर का हुआ बताइए। 16, 30 और लाइट पूछा है कि कितने सेंटीमीटर का होगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आप पढ़ चुके हैं अभी, आपको याद करने और उनकी हेल्प से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे पहले क्या बन रहा है। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो सबसे पहले आप उसको सिंपल से सिंपल रेशियो में तोड़ लो, यानी उसको जितना काट सकते हो किसी सेम संख्या से उतना उसको काट लीजिए, फिर आपको दिख जाएगा कौन सा ट्रिपलेट इसके अंदर लग रहा है। तो यहां से आप देखेंगे कि क्या ट्रिपलेट है, तो पहले काट लो इसको। अगर मैं इसको 2 से काटूं, यानी 2 से मैं इसको भाग दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपका 8, और इसको काटूंगा तो ये 15, यानी इससे ज्यादा तो नहीं कट रहा है। तो अब आपको दिख रहा है कि 8, 15 और 17, ये ट्रिपलेट होता है आपका 8, 15 और 17। अब देखिए आपको, यानी आपने पहले इसको सिंपल कर लिया काट के, और फिर आपने देखा कि ट्रिपलेट बन क्या रहा है। तो यहां पर हमने देखा कि ट्रिपलेट आपका बन रहा है 8, 15 और 17, ये आपका ट्रिपलेट बन रहा है। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट आंसर हो गया सही? तो अभी ये आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि हमने इसको पहले 2 से काटा है, तो अगर हमने काटा तो इसको वापस भी करना पड़ेगा, यानी उधार लिया तो वापस करना पड़ेगा, तो 2 से भाग दिया तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 34 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको ये देखने बना सकते हैं। चलो एक और सवाल, बताइए। दो पॉइंट एक, 7.2 और सबसे बड़ी भुजा बतानी है आपको कितने सेंटीमीटर की है। देखिए क्या कोई ट्रिपलेट बन रहा है इसमें। पहले इसको काट लेते हैं सिंपल से सिंपल बनाने के लिए, फिर हमको ट्रिपलेट देख जाएगा बनता हुआ कि इसके अंदर क्या ट्रिपलेट लग रहा है। तो मैंने यहां पर देखा कि 2.1 और 7.2 ये दोनों कट रहे हैं, तो पहले काट लो कितने से कट रहे हैं। अगर मैं 3 का भाग दूं पॉइंट को ना देखें तो कितनी बार कटेगा, 7 21, इसको भी काट लो, 3 2 6 3 4 12, 2.4, यानी 0.7 2.4। अब आपको देखिएगा कि 7 24 7 24, तो ट्रिपलेट क्या होता है 7 24 25 7 24 25, तो ये वाला आपका फिर 25 होना चाहिए। अगर ये 7 है ये 24 है तो फिर 25 होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर की आनी चाहिए, क्योंकि ये आपके इंटरचेंज हो सकते हैं 7 और 24, लेकिन ये आपकी फिक्स रहेगी हाइपोटेनस, यानी कर्ण आपका फिक्स रहेगा। लेकिन अभी ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमने पहले भाग दिया है तो फिर उसको गुणा भी करना पड़ेगा, उधार लिया है तो वापस भी करना पड़ेगा, सीधी बात तो यह है। तो यहां पर हम इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है, गुणा कर लो, लेकिन पॉइंट में चल रहा है 2.5 हो जाएगा भैया, 7 24 25, 3 से गुणा कर लो तो 25 75, यानी 7.5 आ जाएगा हाइपोटेनस। तो ये वाली भुजा हो जाएगी आपकी 7.5, बताओ कोई दिक्कत इसमें?